हेलो गाइस, तो आज हम लोग एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए ट्रिकी क्वेश्चन मैथ्स का डिफरेंशिएशन का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर इसको पहले क्लास 12th के मैट्रिक्स करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ट्रिक क्या होगी ट्रिक देखेंगे। जैसे कभी भी आ जाए वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमें कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन आ जाए। देखिए, याद रखिएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ हमें क्या लगाना है, वन ऊपर लिखना है वन, और नीचे जो ये दिया हो इसको यहाँ नीचे पुट करना है डिनोमिनेटर में। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसका हो गया आंसर। और जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो माइनस वन माइनस आ जाता, इस जगह माइनस हो जाता, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा और बाकी ये डिजिट पूरी उतारनी। जैसे वाई इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो जैसे कि ये हम लोगों ने बोला था कि पहले हम लोगों को वन लिखना है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो माइनस पुट कर देते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह करेंगे, ठीक। तो जैसे कि आप लोग अभी मान लीजिए कि 12th के मैथड करते, तो क्या करते, वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स मानते इसको, तो वन अपॉन एक्स होता, तो वन अपॉन एक्स फिर इसका करना पड़ता डिफरेंस। तो ईजिली कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक ये है कि इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो क्या सीखा, वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन लिखना है ऊपर और डिनोमिनेटर में बस ये उतार देना, फिर अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस पुट कर देना, बस इतना सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और भी इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए, जैसे वाई ये लर्न करना कि एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए यहाँ पे, और अगर प्लस वन होगा तो प्लस में वन होगा और माइनस हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, बस इस तरह हो जाएगा आपको।